हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज 24 नवंबर है और आज का तारीख आसाम के हिस्ट्री के लिए काफ़ी मायने रखता है। आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे लासित बोरफुकन जी का आज जन्मदिवस है, जिसके कारण पूरे आसाम में आज स्टेट हॉलीडे रहता है। तो लासित बोरफुकन जी कौन है, वो अहोम डायनेस्टी में कैसे बोरफुकन के पोस्ट पर आए और कैसे उनके नेतृत्व में अहोम डायनेस्टी ने अपना जो वर्चस्व है उसको कैसे बरकरार रखा, तो इसके बारे में आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा, बहुत वीडियोज वगैरह भी देखी होंगी। लेकिन आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं एक ऐसी जगह पे जो जोरहाट से केवल 16 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां पहुंचकर आप लोगों को उस जगह के बारे में बताऊंगा जरूर, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि आज मेरे साथ मेरी छोटी बेटी एराइना और मेरी मिसेस नवनीता भी है। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ एक ऐसे जगह पे जहाँ अक्सर हिस्ट्री की सारी पन्ने आकर ख़त्म हो जाती है। वो उनका समाधि स्थल है, उनको वहाँ समाधिस्थ किया गया था। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, सारी बातों को विस्तार से मैं बताऊँगा, क्योंकि अक्सर देखी गई है लासित बोरफुकन जी के बारे में। जब भी आप जानना चाहोगे उनकी सारी चीज़ें, उनकी वीर गाथाओं को वर्णन करने के बाद उनके देहांत के बातों को लेकर ही समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि हिस्ट्री के पन्ने भी वहाँ तक है और उससे आगे यही बताया गया है कि जोरहाट के पास उन्हें मैदान दिया गया था, यानी उनकी समाधि स्थल बनाई गई थी। लेकिन किस तरीके से बनाई गई, यहाँ किन हालातों में वो समाधि स्थल आज है और समाधि स्थल बनाने की क्या क्या नियम है, ये कभी भी किसी चीज़ों में चर्चा नहीं की गई है। तो लेकिन आज हम लोग आपको लेकर जा रहे हैं खासकर उस जगह पे। तो आइए आगे चलकर वहां पहुंचकर आप लोगों से फिर बातें करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहां पहुंच चुके हैं और इस रास्ता से आप हम लोगों को अंदर जाना है जहां उनकी समाधि स्थल है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा ये रास्ते में बनी हुई एक गेट है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर उनकी समाधि स्थल है जहाँ अभी हम लोग आगे चलकर पहुँचेंगे। तो आइए यहाँ से आगे चलते हैं। काफी सुंदर से ये रास्ता बनाया गया है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। यहाँ इनके जन्मदिवस के तारीख पर कई लोग आए हुए हैं, कई स्कूल के बच्चे यहाँ आए हुए हैं। तो ये उनका समाधि स्थल का गेट है। इस गेट से होकर हमें अंदर जाना है उनके समाधि स्थल तक के लिए। लेकिन सामने एक बच्चों का खेलने का उद्यान सा बना हुआ है जो दिखने में समझ में आ रहा है। तो आइए यहाँ से अंदर चलते हैं। यहाँ इन पुरानी तोपों के मॉडल्स के अलावा यहाँ बगल में एक म्यूजियम भी है जहाँ उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कई चीज़ों को यहाँ संरक्षण कर रखा हुआ है। ये म्यूजियम फिलहाल जहाँ तक दिखने में आ रहा है शायद आज खुला ज़रूर मिलेगा हमें, देखता हूँ। तो पहले समाधि स्थल से होके आते हैं, फिर म्यूजियम तक आपके साथ अंदर चलेंगे। तो ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे उनके समाधि स्थल की ओर। ये उनका समाधि स्थल है, आज
उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ दिए जलाए जा रहे हैं। तो ये उनका समाधि स्थल है जहाँ लोगों ने आज उनके याद में दिए जलाए हैं। तो यहाँ अंदर जूता खोल कर जाना है, तो हम लोगों ने भी अपना जूता यहाँ उतारा है और अंदर जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है, यहाँ उनके याद में उनको पानी चढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैदान है, ये उनको वहाँ समाधिस्थ जरूर किया गया था, लेकिन इसका तरीका बहुत अलग है। यहाँ कई चैम्बर्स बनाए जाते हैं, उनको यहाँ दफनाया जाता है, एक चैम्बर में उनको रखा जाता है, बाकी के चैम्बर्स में उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उसमें डाली जाती है, सोने चांदी से लेकर सारे जेवरात, प्लस जो भी लोग उन्हें चाहते हैं, वो जो भी लोग उनके याद में उनके लिए जो भी कुछ लेकर आते हैं, गिफ्ट्स वगैरह, सारी चीज़ों को उन चैम्बर्स में अलग अलग जगहों में डाल कर रखी जाती है और फिर ऊपर से इस तरीके से सारी चीज़ों को एक गुंबद सा बनाकर ढक दिया जाता है। तो ये उनका समाधि स्थल है जो जोरहाट से केवल 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस तरीके से समाधिस्थ करने का जो प्रक्रिया है, ये आहोम डायनेस्टी के युग में ही नहीं बल्कि कई राजा महाराजाओं के दिन से ये चला आ रहा है और आज भी कई जगहों में ये चीज़ पाई जाती है। खासकर आसाम में आप इस तरीके के मैदान आपको काफ़ी मिलेंगे, अपार आसाम के साइड में। तो आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस तरीके का मैदान देने का जो सिस्टम है, लोगों को समाधिस्थ करने का जो सिस्टम है, ये मैंने अरुणाचल में भी देखा है। दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में जो मिसिमी ट्राइब्स के लोग रहते हैं, वो लोग भी इस तरीके से अपने घर परिवार के जो भी लोग गुजरते हैं, उनको इस तरीके से वो समाधिस्थ करते हैं। इस तरीके से वो लोग कमरे बनाकर ज़मीन के नीचे उनके शव को और सारी चीज़ों को उनके याद स्वरूप गाड़ देते हैं ज़मीन में। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज यहाँ हम लोग आए हैं, कई चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप देख सकते हैं परिक्रमा की जा रही है उनकी समाधि की, और अहोम साम्राज्य के समय बनाए गए बड़े बड़े तालाबों से लाए गए पानी को शुद्ध कर ताई अहोम प्रथा के अनुसार उनकी समाधि की शुद्धिकरण की जा रही है। ये मैदान के सामने लासित बोरफुकन जी का एक स्वरूप बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे एक दोस्त मिला है यहाँ आज आकर, तो इनका भी एक YouTube चैनल है जिसका नाम है CB मिक्सचर। ये सिरंजीव बोरा है, जोरहाट से बिलोंग करते हैं, सारीगांव से। तो आज ये यहाँ ये भी आए हैं, इसका चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो आप मेरा भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
तो हमारे चैनल में आज जो भी नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के कमिटी के, तो कृपया करके आप बताएंगे ये जो परिक्रमा करते समय जो पानी डाली जा रही थी ये किस कहाँ से, ये क्या है, कौन सी पानी दी जा रही है यहाँ पे? ये तो हमारा एक ऐतिहासिक पुखरी जने कोई शिवसागर जयसगर पुखरी पानी आनी से पानी आनी अच्छा मंत्रपुट कर मंत्रपुट माना टाइम बगान न्यासलोक नाम जारी कह है अच्छा नाम जारी आनी छटी से इतना विभिन्न धरण मानु जैसे सुमाय थके राति के अन्य जंतु सुम पे सीकारण पानी तो छटिया पवित्र कर आज पवित्र कर पाशन तक वीरजार प्रति श्रद्धा श्रद्धा जाना तखेर आशीर्वाद विचार से तखेत आशीर्वाद कर जने आम शक्ति पाए आम देशक रक्षा कर पार। तो आप बताना चाहेंगे कि ये जो समाधि स्थल जो इनका है तो इनको जब भी यहाँ समाधिस्थ किया गया तो किस तरीके से जो प्रथा है किस तरीके से ये सारी चीजें की जाती है कुछ बताएंगे? हाँ तो ये कथा तो हल कि जेतिया तखेते खराइघाट और युद्ध जिकिले तखेते युद्ध करार समयते तखेतर माने नरिया आसिला तखेतर अखुक आसिले अखुक होवार पिसत हे अखुकिया गाड़ी तखेते युद्ध जिकि आही जेतिया माने विजय उत्सव जी विजय उत्सव अंशग्रहण करमार रंगपुर थकोते असुख हर कारण बटते ढुकाले तैयार समय अहा तो मानने रास्ता पदूल तैक ना नौकार व्यवहार हो ब्रह्मपुत्र आनी आसे कि आनी थकोते कलियाबर मान ठीक बुढ़ा पहाड़ ऊरते ढुकाले ढुकर पीछे जैसे नावे जी जाता तो जथेष दिन लगे कि समय देहा इमान दिन क्या कर भल्क राखा जत्न ना मानने तखे डेड बडी उवली जो निचिना भाविले इतना कत जा जा रंगपुर निबरा ना जाटुकुरा आम हाइलुंग पार बी कह मैं खुलुंगा पार इत उच्च सम्भ्रांत आहोम पर मानु बस करके गुणागथा कर निमाती घाटर इनिले इते आनी तखेक समाधि कर समाधि करार यार ठीक अलग दूर आतर एट पुखरी आए जी बरफुकन पुखरी कह तार माति आनी ये समाधि स्थल दिया और सही समयते मानने समाधि है आम तार दिन किम टाइम परम्परा मते मानने ज्वलाय निदी पुति थय जी पुति थार कारण ये आम मैदान दिया प्रक्रिया। अच्छा तो आज यहाँ वाइस प्रेसिडेंट सर के साथ में यहाँ के कमिटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी सर भी हैं, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा एक चीज़, जब भी ये जो मैदान दिया जाता है, मैंने देखा है, मैं अरुणाचल में रहा हूँ, वहाँ पैदा हुआ हूँ, वहाँ बड़ा हुआ हूँ, यहाँ के जो मिसिमी संप्रदाय है उनके लोगों के बीच में भी ये इस तरीके के मैदान देने का जो प्रथा है आज भी चलता है, तो वहाँ मैंने देखा है कि इस तरीके से मैदान दी जाती है। तो मैं एक बार आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये जो मैदान यहाँ लासित बरफुकन जी के नाम पर जो यहाँ उनके शव के साथ जो दफनाया गया उनको, तो क्या क्या चीज़ें दी गई थी, किस तरीके से इसे बनाया गया था, कुछ बताएंगे? তেখেতে যিখিনি সময়ত তেখেতে যিখিনি বস্তু তেখেতে ভাল পাইছিলে আৰু যিখিনি বস্তু সেই সময়ত তেখেতৰ লগত আছিলে সেই গোটেই বস্তুখিনি দিছিলে কাৰণ তেখেতৰ সাজ পোছাকৰ পৰা আদি কৰি বা হেংনাং বা তেখেতে কলে যিখিনি খোৱা বাচন বৰ্তন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তেখেতে যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আটাইখিনি দিছিলে আৰু তেখেতে কিছুমান ভাল পোৱা বস্তু কাৰণ তেতিয়া তেখেতৰটো আমাৰ ডেড বডিহে লৈ আনিছিলে ঘৰৰ পৰা অনা নাই गति के बस्तु दुलिया आम्परार बस्तुखी हम मैदान दुपरा ना और जिस दा डांगरिया तखेत सून दिले क्या थका सूनो दिले ब्रिटिशे लै जा पे। तो इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ में जोड़ना चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे ध्यान है तो इस तरीके के मैदान में सोना चांदी से लेकर जो भी चाहने वाले लोग जो आते हैं यहाँ उनसे उनके शव को मिलने के लिए अंतिम संस्कार उनका करने के लिए, तो उस वक्त वो जो भी चीज़ें लाते हैं सोना चांदी बर्तन वगैरह या फिर गाय भैंस जो भी लाते हैं सारी चीज़ों को यहाँ डालकर उनके साथ कमरों को अलग अलग कमरों में डालकर उनके साथ यहाँ मैदान दिया जाता है, तो ये प्रथा उनके लिए भी शायद उसी तरीके से उस वक्त की गई थी जहाँ तक आप लोग जानते होंगे। इतिम्य उमसवती डांगरिया कैसे गोटेखी कथा अच्छा मैदान दिया परम्परा तो टाइम एक्टा परम्परा
এই পৰম্পৰাটো মৈদাম দিয়া সম্পূৰ্ণ এটা হুকিয়া নীতিবিধি আছে সেইখিনি আমাৰ মহন দেউদাই বাইলুংসকলে সেই কাৰ্য কৰে আৰু যেতিয়া হটো অনা হয় হটো সম্পূৰ্ণৰূপে তাক পৰিষ্কাৰ কৰি ধুওৱা হয় ধুওৱাৰ পাছত তাক যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু এখেতে কৈছে সেইখিনি দিয়া হয় আৰু এটা আমাৰ নিয়ম আছে মৈদাম যেতিয়া চাৰিটা খুটা পুতি তেখেতৰ হটো ৰাখিব ৰখাৰ পাছত আহোমৰ মৈদাম দিয়া প্ৰক্ৰিয়াত লুকুৰাখন যিটো খৈত লুকুৰাখন খৈলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকে মৈদামৰ প্ৰথম চপৰা মাটি সেই লুকুৰাখন পৰিয়ালৰ এহে তাত দিব পাৰে আৰু সেই অনুসৰি এই অঞ্চলতো লুকুৰাখন খৈলৰ ব্যক্তি আমি আছিল বুলি গম পাইছোঁ হয়তো লাচিত বৰ্ষণৰ যেতিয়া হওক মৈদাম দিছিলে ইয়াতো তেনেকুৱা ধৰণে মৈদাম দিছে তাৰ পাছত অন্যান্য যিসকলে আছে সেইসকলে ইয়াত মাটি দি পেলাই সম্পূৰ্ণৰূপে মৈদামটো দিয়া হৈছিল তেনেকুৱা ধৰণে আমি আমি যিখিনি জানো বা ইয়াত আৰু এটা কথা আমি শুনিছিলোঁ যে যেতিয়া লাচিত বৰ্ষণৰ মানে লোককথা আমি চলি অহা যিটো কথা আমি শুনিছোঁ যে ইয়াত তেখেতৰ যেতিয়া হ আনিছিলে ইয়ালৈ আনোতে সম্পূৰ্ণ গায়ন বায়ন যিটো মানে আমাৰ গায়ন বায়নে আদৰি অনা আদৰি আনি পেলাই ইয়াত আনি ৰাজকীয়ভাৱে ইয়াত মানে তেওঁ মৈদাম দিছিলে আৰু তাত উদয়াদিত্য স্বৰ্গদেউ উদয়াদিত্য সিংহয়ো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে বুলি আমি কিছু কথা শুনিবলৈ পাইছোঁ আচ্ছা ঠিক আছে দিয়ক অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ তো ইয়াত এক অডিটৰিয়াম বনাযা হোৱা হে और साथ में एक म्यूज़ियम भी है तो आइए उस म्यूज़ियम में चलते हैं और उस वक्त उनके द्वारा जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई थी कहा जाता है यहाँ संरक्षित कर रखा हुआ है तो आइए वहाँ म्यूज़ियम में चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं वहाँ चलकर देखते हैं कि किस तरीके से उन चीज़ों को आज भी रखा गया है तो ये वो म्यूज़ियम है जिसके अंदर अभी हम लोग चलेंगे तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ मैलेंग के पास जोटोकिया नाम का एक गांव है जहाँ से ये बच्चे आए हुए हैं आज यहाँ लासित बरफुकन जी के इस मैदान में उनके बारे में जानने के लिए और इस जगह को बराबर देखने के लिए तो एक बार आप लोग हाई कर दो ठीक है मिलेंगे फिर तो ये मटंग है जो चाउल सुकाफा जी जो आए थे यहाँ वो अपने साथ वहाँ से ये लेके आए थे जहाँ ये बड़ी बड़ी कढ़ाई सी है ये जिसमें एक साथ बनाकर 300 लोग खाना खा सकते हैं एक साथ इसमें बनाकर तो ये ग्लास बॉक्स के अंदर रखी हुई है एक्चुअली मटंग लेके आया था यहाँ पे नौ हजार सैनिकों के खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए 3000 ऐसे बर्तन उस वक्त लाए गए थे जिसको मटंग कहते हैं मटंग मटंग ये बहुत बड़ा सा बर्तन है लोहे का है तो ये तांबे का बर्तन है बहुत बड़ा सा ये तांबे का बर्तन है जिसको मटंग कहते हैं तो दोस्तों ये वो चीज है जो तालाब के बीच में तालाब को खोदने पर जो पानी का स्रोत बीच में पाई जाती है उस स्रोत में ये चीजें लगा दी जाती है जिसको असामीज में नागमारी कहा जाता है ये वो चीज है जो तालाब के बीच में अगर लगा दी जाती है तो उस तालाब की पानी कभी नहीं सूखती है तो इसी कारण से जो छिपसागर में बड़ी बड़ी तालाबे हैं जोरहाट में जो एक तालाब है राजमाओ पुखड़ी ये उन सब तालाबों में ये चीजें लगी हुई हैं जो तालाब के बीच में हैं जिसके कारण से ये नागमाड़ी लगी होने के कारण आज भी वहाँ की पानी सूखती नहीं है ये एक विचित्र चीज है जो लोग उस वक्त बनाकर तालाब के बीचों बीच जो पानी का स्रोत होता है उसमें गाड़ दिया करते थे तो ये हमारे लिए जानने की एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जिसके बारे में सुनते तो बहुत आए हैं आज तक लेकिन मैंने ही खुद आज पहली बार इस चीज को यहाँ देखा है ব্যবহাৰ কৰা কিবা আছে নেকি কোনে ব্যৱহাৰ কৰা এইখিনি তেতিয়া সময়ত মানুহ কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ধৰক কিন্তু লাচিতৰ হেণ্ডাংখন এক ঠাইত ৰখা হৈছে তেওঁ কিছুমান প্ৰয়োজনীয় বস্তু বেলেগ বেলেগত আছে যিটো মৈদাম দিওঁতে আপোনাৰ তেওঁ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ মৈদামত লগত দি দিয়া হয় মানে বুজি পাইছো
तो उनकी जो सारी अपनी चीजें हैं वो सारी चीजें उस मैदान में उनके साथ दे दिया गया। यहाँ तो अभी जो भी चीजें यहाँ रखी गई हैं ये सारी चीजें उनके उस समय में इस्तेमाल की जाने वाली अहोम डायनेस्टी के चीजें हैं। हाँ, तो उनकी खासकर यहाँ कोई स्पेशल चीजें लासित जी की नहीं है? नहीं है, तलवार है यहाँ एक जगह पे रखा है। हाँ, जो बातचीत चल रहा है यहाँ पे आने के लिए लेने के लिए ले आने के लिए बातचीत चल रहा है वो तलवार एक अलग जगह पे रखी हुई है। तो यहाँ एक तलवार है, तलवार है ये किसका तलवार है? ये सैकिया जो ताइजन होता है ना उसको इसका है। अच्छा, तो जो सैकिया जो लोग हुआ करते थे अहोम डायनेस्टी में उस वक्त उनके इस्तेमाल उनके लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई ये एक पुरानी तलवार है जो लगभग आज के तारीख में अगर आप हिसाब करना चाहे तो 800 साल पुरानी होगी, 800-900 साल पुरानी ये तलवार है। ये एक बो है, धनुष है एक्चुअली, जिसमें तीर लगाकर इस्तेमाल की जाती है। आजकल के फिल्मों में आप देखे होंगे जिसे बोगन कहा जाता है, ये एक्चुअली वो बोगन है अहोम साम्राज्य के समय का इस्तेमाल किया हुआ, जिसमें तीर लगाकर रॉकेट की तरह तीर यहाँ से निकल जाती है, एक ट्रिगर होता है जिसको दबा देने पर ये तीर आगे निकल जाता है। तो जो ये जून कुमार गोगोई जी है या जो यहाँ के सारी चीजों का देख रेख करते हैं, सारी चीजें इनके अंदर पर ही है, यही यहाँ लासित मैदान का सारा देख रेख करते हैं। तो कितने सालों से हैं आप यहाँ पर? 6 साल हो गया। 6 साल? 6 साल। 6 साल से ये संभाल रहे हैं यहाँ में सारी चीजों का देखभाल ये करते हैं। तो दोस्तों ये जो मैदान है यहाँ इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया ही है। यहाँ इनके शव के साथ जो भी लोग यहाँ मिलने के लिए आए थे तो वो लोग जो भी चीज़ें साथ में लाए थे इनको श्रद्धांजलि देने के लिए सारी चीज़ों को यहाँ साथ में दफनाया जाता है, सोना चांदी से लेके जो भी लोग समझते हैं कि इनको ज़रूरत पड़ सकती है मरने के बाद भी एक जीवित व्यक्ति के स्वरूप में समझकर सारी चीज़ों को उनके साथ दी जाती है। और साथ में ये दफना कर उसके ऊपर ये पहाड़ सा गुंबद सा बना दिया जाता है और जिसके चारों ओर एक्चुअली 8 कोने का दीवार देकर उसे घेरा जाता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग तरीके से वो दीवार बनी हुई है। तो आप लोगों को आज मैं यहाँ लेकर आया हूँ, पर आप लोग यहाँ ज़रूर आइएगा और इतिहास के इस पन्ने को एक बार पलट कर ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमने कोशिश ज़रूर की है कि आपको इस जगह के बारे में जितनी हो सके बताएं। तो जो भी आप में से आज हमारे चैनल में नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जब भी आप असम आएँ तो इस जगह को विज़िट करने के लिए ज़रूर आइएगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहें। थैंक यू।